Assalamu alaikum, hello viewers, welcome to my channel Be Success Lady. आज हम आपको एक नॉर्मल साइज की कुर्ती कटिंग करना सिखा रहे हैं। इसकी हमने लंबाई ले ली है और इसे फोर्थ फोल्ड कर लिया है, डबल कर लिया है। लंबाई हमारी जो है 35 इंचेस नॉर्मल साइज की। उसके बाद अब हम ऊपर की साइड से तीरा लेंगे। तीरा हमारा जो है नॉर्मल साइज का 6.5। ये हम एक स्ट्रेट मार्कर से निशान लगा लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 7 इंचेस। एक स्ट्रेट बॉक्स बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन डालेंगे स्केल की मदद से और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे आर्म होल की गोलाई करने के लिए। अब इन दोनों के बीच में एक टेढ़ा निशान लगाएंगे 1 इंच का। अब हम गोलाई कर देंगे। हाथ को जमा कर और पेंसिल या मार्कर की मदद से सिर्फ उसे मूव करना है, उससे हम गोलाई कर लेंगे। अब हम चेस्ट टू हिप लेंथ लेंगे कि आप चौक कितने छोटे और कितने बड़े पहनना चाहते हैं। नॉर्मल साइज के हम रखेंगे 13 इंचेस, 35 लेंथ के हिसाब से 13 इंचेस लंबाई और इसी का हाफ करके आप कमर का निशान लगा लें। 13 का हाफ 6.5। अब हम लेंगे चेस्ट फिटिंग। चेस्ट फिटिंग जो है हमारी वो हम रखेंगे 9 इंचेस चेस्ट फिटिंग लेंगे। लूज कुर्ती है ये, इस वजह से 9 इंचेस स्ट्रेट बनानी है। कमर हम लेंगे 8.5, हाफ इंचेस सिर्फ कम करेंगे 8.5। और हिप लेंगे हम 10 इंचेस, हिप पे से भी हम बिल्कुल लूज रखेंगे। ये हमने तीनों निशान लगा लिए हैं। अब इन तीनों निशानों को मैच कर लेंगे। अब हम दामन लेंगे। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है तो आप हिप लाइन जितना रखेंगे 10 इंचेस। अब आप ये तीनों को मैच कर लें स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट। चेस्ट टू हिप लेंथ जो है वो आपस में मैच कर लिया आपने। ये हम आपका जो है स्टिच, ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई कटिंग हक रख रहे हैं। ये हम एक्स्ट्रा 1 इंच जो रख रहे हैं इसे कटिंग का निशान लगा लेंगे। बिल्कुल इसे भी स्ट्रेट स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। आप अगर करें तो टेलर चौक से निशान लगाइएगा। ये हम मार्कर से लगा रहे हैं। फ्रंट शोल्डर के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा इसी निशान के साथ आप लगाएंगे और स्केल की मदद से क्रॉस लाइन डाल देंगे। फ्रंट जो शोल्डर होता है जिसकी वजह से फिटिंग अच्छी आती है। अब हाफ इंच जितना क्रॉस लाइन लगा के ये शोल्डर की गोलाई कर लेंगे। ये फ्रंट शोल्डर के लिए बताया जा रहा है आपको। ये फ्रंट शोल्डर की मेजर है। 1 इंच एक्स्ट्रा रख के आपने क्रॉस लाइन लगा के अब हाफ इंच ऊपर की साइड से आर्म होल को गिराना है। तीरा हल्का सा हाफ इंच गिरा हुआ क्योंकि हमारे शोल्डर थोड़े से डाउन लेवल में होते हैं, इस वजह से। अब आपको कटिंग सिखा रहे हैं। ऊपर की साइड से रखकर आप सारी इसकी कटिंग करेंगे। पहले आप दोनों पीसेस की बैक कटिंग कर लेंगे। फ्रंट करने के लिए आपको फ्रंट पीस अलग करना पड़ेगा। पहले ये हमने शोल्डर की कटिंग कर ली आर्म होल। अब हम ये कटिंग वाले निशान पे कटिंग करेंगे। स्टिच वाले निशान पे हम स्टिचिंग ही करेंगे। ये अब हमने कटिंग वाले निशान पे हिप लाइन तक सीधी ले गए, यहाँ तक अब हमने कटिंग कर ली और इसे भी अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो गई हमारी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस कटिंग की चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें जो आप सीखना चाहते हैं। डेली रूटीन पे आपको बहुत ही खूबसूरत कटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।